राजस्थान में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। कांग्रेस में उपचुनाव के लिए प्रभारी और कमेटी बना दी गई है। एक तरफ जहां 5 सीटों में से 2 पर गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेगा, वहीं कांग्रेस सभी पर तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर गठबंधन से बात नहीं बनी तो सभी सीटों पर लड़ाई के लिए पार्टी तैयार है, और अगर बात बनती है तो 3 पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में होंगे। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। वही पार्टी सूत्रों का कहना है कि 5 सीटों पर पूरी तैयारी करने से संगठन और मजबूत होगा, वहां पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, संगठन और मजबूत करने की तैयारी है। इस चुनाव के मद्देनजर पार्टी वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकना चाह रही है। अभी किसी भी सीट पर कोई नाम तय नहीं है, हालांकि कई चेहरे अपना दावा पेश कर रहे हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पर कांग्रेस की पूरी नजर है। बेनीवाल रहकर सभी सीटों पर अपना दावा ठोक देते हैं, जिसे लेकर कांग्रेस की तरफ हलचल बढ़ जाती है। वही अगर बेनीवाल की पार्टी सिर्फ खींवसर पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लिए राहत होगी, लेकिन कांग्रेस तो खींवसर सीट पर भी मजबूती से तैयारी करने में लगी है। वही बांसवाड़ा से भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत का स्टैंड साफ है, उन्हें सिर्फ अपनी सीट 84 से चुनाव लड़ना है, इसलिए वहां पर कांग्रेस भी यही मानकर चल रही है कि भारत आदिवासी पार्टी को सीट देनी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के वहां के नेता इस बात से नाराज है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को सीट नहीं देनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस खुद यहाँ पर चुनावी मैदान में हो। बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया था, और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल दोनों ने लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।